विश्व के लिए महामारी बन चुका कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना से बचाव के लिए एक अलग ही उपाय इजाद किया गया है। आपको बता दें, लखनऊ में कोरोना वायरस से बचने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन हजरतगंज में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर लोगों ने योगी सरकार से प्रत्येक नगर में हवन कुंड बनवाने की मांग की, जिससे लगातार हवन होने से वातावरण तेजी से शुद्ध हो सके। कोरोना भी जो चल रहा है, लोग तो दवाई बहुत चल रही है, अपना सैनिटाइजर चल रहा है, मास्क है, उससे मतलब हवन करने से एक तो हवा स्वच्छ होगी, सबको स्वच्छ वो मिल हवा मिलेगा, इसलिए हम लोग कोरोना मतलब कई तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं, कपूर है, लौंग है, सब चीज़ें चल रही हैं, यही अपना मेन मकसद है। जहाँ इतने दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही हैं, क्यों लग रहा है कि यज्ञ करने से कोरोना को हम लोग खत्म कर सकते हैं? जब कोई दवा नहीं काम आती तो ऊपर वाला ही सबको याद करता, वही सबसे करता सब कुछ। देखिए, वैदिक काल से भारत वर्ष का विशेष महत्व रहा है और हमारा भारत वर्ष प्राचीन से ऋषि मुनि योगियों के ही सहारे, हम लोग आज तक उन्हीं की लिखी किताब जो ग्रंथ हैं, जो हमको शिक्षा मिली है बचपन से कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। हमारे देश में आयुर्वेद का विशेष महत्व है, जड़ी बूटियों का विशेष महत्व है। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो हवन सामग्री के साथ मिला करके उसको जलाया जाता है, तो वातावरण के अंदर उससे जो गैस निकलती हैं, उस गैस से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर जो वायरस और जो तमाम तरीके के प्रदूषण हैं उसको ये ख़त्म करते हैं, तो वैदिक काल से इसका विशेष महत्व तो रहा है। और दूसरी चीज़ जो हमारा मकसद है इसको, कि लोग जानें कि इसका महत्व तो क्या है। घर के अंदर कोई चीज़ का शुभारम्भ किया जाता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो सबसे पहले हवन का ही महत्व तो है। हवन इसलिए किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए, और इसमें जो हम लोगों ने तमाम तरीके की जड़ी बूटियों का दूर दूर से मंगवाई हैं, इकट्ठा की हैं, वो क्योंकि हवन सामग्री जैसी होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी बूटियाँ हैं इसमें? इसके अंदर अगर है, तगर है, तमाम तरीके की इसमें लकड़ियाँ हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लौंग है, कपूर है, जिसको जलाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, जायफल है, तेजपत्ता है, जावित्री है, लौंग है, मतलब तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो कई वैदिक ऋषियों से समझ करके इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर दूर दूर से लोग इकट्ठित हुए हैं, लोग बड़े उत्साहित हैं।